99% फिट हैं शुभमन गिल, ये रोहित शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट कल शुभमन गिल को लेकर फाइनल कॉल लेगी। जी हाँ, कि शुभमन गिल कल पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए नज़र आएंगे या नहीं, इसको लेकर रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट का कल फैसला आएगा। लेकिन रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को लेकर जो पॉजिटिव बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि 99% शुभमन गिल फिट हैं। यानी 99% का मतलब है कल शुभमन गिल आपको मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए नज़र आएंगे, ये क्लियर है। रोहित ने कहा शुभमन गिल 99% फिट हैं, आप देख रहे हो वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में रहने वाला खिलाड़ी है, उसका मास्क भी हट गया है, इस पर हम कल मैच से पहले निर्णय लेंगे। ये कप्तान रोहित शर्मा का कहना है। तो आप सोच लीजिए कि अब शुभमन गिल कल खेलते हुए नज़र आएंगे। जी हाँ, कल से ही, कल वो प्रैक्टिस सेशन में आए थे, 1 घंटे लगभग प्रैक्टिस किया था उन्होंने, थोड़ी सी उन पर जो डेंगू का असर है वो दिखा था क्योंकि बीमार थे, तो उसकी बॉडी पे थोड़ा असर दिख रहा था, चेहरे पर दिख रहा था, लेकिन वो कंटिन्यूअस आज भी वो टीम के साथ स्टेडियम पहुंचे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हमने देखा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल, ये चारों खिलाड़ी जो हैं एक साथ नेट पर बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखे, और इसी को लेकर रोहित शर्मा ने ये डिसीज़न आज रिजर्व रखा, क्योंकि उनको कल ये फैसला लेने में और टीम मैनेजमेंट को ये फैसला लेने में आसानी होगा, क्योंकि आज भर वो शुभमन गिल की प्रैक्टिस देखना चाहते थे आज, कि किस तरीके से वो प्रैक्टिस करते हुए नज़र आते हैं, क्या उनका कल क्या वो उनकी हेल्थ रहती है। लेकिन उन्होंने जो कहा है कि 99%, ये बहुत बड़ी बात है, 99% कोई ऐसे ही नहीं कह सकता है, क्योंकि पूरी मेडिकल टीम उनके पीछे लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो मेडिकल टीम के तरफ से वो इंडिकेशन आया होगा, वो पॉजिटिव इंडिकेशन, तभी रोहित शर्मा ने इतनी बड़ी बात कही है। और कल ये फैसला, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा दर्शकों में वो एक्साइटमेंट थी शुभमन गिल को लेकर कि क्या निर्णय आता है, लेकिन अब कल हमें पता चलेगा मैच से पहले कि शुभमन गिल टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। लेकिन 99% का मतलब है 100% ही, आप समझ लीजिए कि शुभमन गिल जो होंगे वो कल टीम का हिस्सा होंगे, और अहमदाबाद जो उनका एक फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड में से एक है, जहां पे उनके बल्ले को खामोश रखना थोड़ा मुश्किल रहा है इन दिनों, तो कहीं ना कहीं वो अपने फेवरेट ग्राउंड में कल खेलते हुए, कल बड़ी मुकाबला जो है पाकिस्तान के खिलाफ वो नज़र आ सकते हैं खेलते हुए। फ़िलहाल कल नज़र हमारी भी रहेगी।